उठाने के ये दिन आए, मेरा महबूब लेकर प्यार आया, तो लेकर प्यार आया। जवान हो गई है और मुराद को पसंद करती है, अब दोनों की शादी हो जाना चाहिए। वो लोग कुछ और भी तो सोच सकते हैं। कुछ और नहीं सोच सके, इसका बंदोबस्त मैं कर चुका हूँ। ये क्या? एडवांस बुकिंग। बेटी शाहनूर, मुराद तो तुम्हारा देवर है ना, अगर इसकी शादी नाज से हो जाती बड़ा ही अच्छा होता। अब्बा, एक ही घर में दो बहनें, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा हो जाने से हम लोगों का आखिरी बोझ भी हल्का हो जाए। ये मुमकिन नहीं। क्यों? मुराद बीए पास है और मेरी सास ये उम्मीद लगाए बैठी है कि उसकी बहू कम से कम 20,000 का जहेज लेकर आएगी उसके घर में। अगली, अब हम लोगों की ऐसी हालत कहाँ रहे? इसीलिए तो कह रही हूँ, नाज का रिश्ता कहीं और तलाश कीजिए। शानूर, समझने की कोशिश कीजिए अम्मा, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ, आपको अपनी हैसियत देखनी चाहिए। नहीं उठा सकता। क्या हो गया है तुम्हें? मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ। गुर्बत और दौलत को हमारे सामने क्यों लाती हो? ये एक हकीकत है।
मैं ये नहीं मानता। तुम्हारे घर वाले तो मानते हैं। शादी मुझे करनी है, घर वालों को नहीं। फिर भी ये मुमकिन नहीं। बारे में मजली आप और आपकी बातें सुन चुकी हूँ। आप जहाँ और जिससे चाहे मुराद के अलावा मेरी शादी कर सकते हैं। मुझे दौलत नहीं चाहिए और मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा था लड़का मैट्रिक पास है और देखने का भी अच्छा है। इसकी माली हालत कैसी है? खाने पीने की कमी नहीं। अल्लाह की फजल से इतनी जमीन है कि दोनों खा पी कर साल भर में कुछ बचा भी लेंगे। फिर अपने तालाब की मछली, अपने बागात जिसमें केले और छलिया की दरख्त। ये सब तो ठीक है, मेरे दोनों दामाद बीए पास है और ये सिर्फ मैट्रिक। आजकल पढ़ लिख कर क्या होगा वकील साहब, अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं तो कहता हूँ अपनी नाज राज करेगी राज। तो फिर दिन तारीख ठीक कर लीजिए। क्यों नाज के अब्बा? जैसे तुम्हारी मर्जी। आज सोमवार कैसा रहेगा? दिन अच्छा है और तारीख भी मुबारक। तुम भी कुछ बोलो ना। ओ, जितनी जल्दी शादी हो जाए बेहतर है। तो फिर बात पक्की समझिए। अब मुंह मीठा कराइए तो मैं जाऊं। ये लीजिए, मैं आपकी पूरी तरह खिदमत ना कर सकी। क्या कह रही है भाभी, नाज भी तो मेरी बेटी है। अच्छा अब मैं चलूं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप लोगों ने बड़ी जल्दी की भाभी। करने से कोई राजा महाराजा थोड़ी मिल जाता। ये तो आप लोगों ने नाज के चले में फांसी का फंदा डाल दिया। जवान लड़की को कब तक घर में बिठा कर रखा जाता। फिर भी इससे अच्छा शौहर नहीं मिलता भाभी। मैं ठीक ही कहती हूँ, हम लोगों के रहन सहन और इस घर में बहुत फर्क है। आप भी तो इसी घर की हैं भाभी। जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उस वक्त ये घर हमारी ही तरह था। अभी इस घर के हालात कुछ और हैं, इस लिहाज से नाज को मुनासिब शोहर मिला है। मेरी एक बात मानोगे? बीबी की हर बात को मानना ही होगा, नहीं तो भूखा मरना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ना होगा। क्या पढ़ूंगा? मैट्रिक के बाद जो पढ़ाई होती है, आइए अब किस उम्र में? जो पढ़ा था वो भी खा पी कर बैठ गया, अब कॉलेज में। घर बैठकर पढ़ सकते हो, मास्टरों के लिए प्राइवेट इम्तिहान देने की आसानी है। अचानक तुमने मेरी पढ़ाई के बारे में कैसे सोचा? इस वक्त तुम्हारी तालीम तुम्हें अच्छी सी नौकरी नहीं दे सकती। आजकल दो चार डिग्री के बगैर एक इंसान को लोग इंसान नहीं समझते, इसका मजाक उड़ाते हैं, इससे नफरत करते हैं। पास करना कोई आसान काम तो नहीं, अब तो पढ़ने की आदत भी खत्म हो गई। पढ़ने से फिर आदत हो जाएगी। सुबह जमीन देखना है, दोपहर को स्कूल, पढ़ूंगा किस वक्त? इतनी लंबी रात जो है। लंबी रात
पढ़कर ही गुजारते हैं। जी लेकिन किताब कलम इम्तहान की फीस ये सब कहाँ से होगा? इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। ख्याल में आप अच्छा नहीं कर रही। क्यों? आपकी सारी इनकी बिक गई। इनकी बीए पास कर लेने के बाद हम बहुत सी जमीन फिर खरीद लेंगे। मेरे दुआएं हैं आप अपने मकसद में कामयाब हो। शुक्रिया। तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। कैसे मुबारकबाद? आज तुम पर सारा गांव फख्र कर रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। तुमने सिराज को नई जिंदगी देने में जो मेहनत की है ये देखकर यकीन करना पड़ता है। किसी काम के करने में अगर इंसान की लगन सच्ची हो तो जरूर कामयाब होता है। लो ये अखबार देखो, तुम्हारे सिराज ने बीए पास किया है। मास्टर साहब, मुराद बीए पास है और मेरी सास ये उम्मीद लगाए बैठी है कि उसकी बहू कम से कम 20,000 का जहेज लेकर आएगी उसके घर में। क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं। अरे मास्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक हो सिराज, तुमने बीए पास कर लिया। सच? तुम्हें नाज का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपकी दुआ भी चाहिए। क्या जब देखो सोते रहते हो? अब तो मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। मैं कह रही थी अब गांव में क्या रखा है, शहर जाओ और कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। शहर जाकर क्या करूंगा, ना तो किसी से जान पहचान है और ना रहने की जगह। क्यों, वहाँ बहुत से मेस है। वहाँ रहने से भी पैसे लगते हैं और कौन जानता है कब तक नौकरी मिलेगी, कितने दिनों तक कैसे रहूंगा। ये मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगी इंतजाम। तू कहाँ से करो, जमीन तो सारी खत्म हो गई, जेवरात जो थे वो भी बिक चुके, और ये भी तो है कि तुम रहोगी कहाँ। कहाँ और इसी घर में अकेली? क्यों, मैं जू। ओए शाबाश। हेडमास्टर साहब तो देखभाल करते रहते हैं, डरो नहीं, भाग नहीं जाऊंगी। और फिर कब तक, जब तुम नौकरी के बाद वहाँ घर ले लोगे तो मैं चली आऊंगी। मुन्ना को भी तो पढ़ाना है। हाँ मुन्ना को तो पढ़ाना है, ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा बेटा। शाबाश। अच्छा तुम कहती हो तो मैं शहर भी चला जाऊंगा।
भैंस को मेरा काट दिया। तो अभी बिजी है, अभी किसी से नहीं मिलेंगे। उन्होंने मुझे बुलाया है, एक हाथ जाकर दो तो सही। आप लोग समझते क्यों नहीं, अंदर जाने से डांस सुनना होगा। अच्छा ये लो मेरी तरफ से चाय पी लेना। आप खाइए, मैं अभी काट देकर मैं आता। तुम्हारी तनख्वाह 125 रुपए है ना? हाँ। और क्या? ऊपर से कितना मिलता है? ऊपर से क्या मतलब? वाह, नौकरी में ऊपर की भी आमदनी है। रुश्वत की बात कर रही हो? रुश्वत क्यों, मंजिले दुला भाई की जो तनख्वाह है उससे दुगनी ऊपर की आमदनी है। नहीं, मेरी कोई ऐसी ऊपर की आमदनी नहीं। मेरी छत्ती तो के दूध के लिए रुपए चाहिए। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। दूध कहां से लाऊंगी? एडवांस लेने की कोशिश करूंगा। इनसे झगड़ के आए हो क्या? मुझे कुछ आप मालूम होता है? यार मैं तंग आ गया हूं इस लड़की से। फिर भी कुछ न कर सकोगे? रुपए पैसे के बारे में तकरार हुई है क्या? हाँ बात कुछ ऐसे ही है यार। देखो भाई, बीवी का झगड़ना भी ठीक है, उसके ये सोचना भी सही है कि उसका शौहर उसके लिए अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आता, किसी हसीन शाम को साथ लेकर तफरी के लिए जाता। लेकिन लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? खूब हो सकता है। तुम जिस जगह बैठे हो, महीने में 200-400 कमाना कोई बड़ी बात नहीं। सोचने की बात है सिराज भाई, तुम्हें रुपए की जरूरत है और किसी को तुम्हारी खुशी। जो कोई कुछ तुम्हें देना चाहता है तो उसके लेने में क्या बुराई है? फिर भी ये सब ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहिए कैसे हैं आप? बस अल्लाह का फजल है, बैठिए। शुक्रिया। सिगरेट पीजिए। शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। आपने तो कभी खिदमत करने का मौका ही नहीं। जी ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ वो आपका एक चेक पड़ा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों के लिए मेरी तरफ से कुछ मिठाई ले लीजिए। जी मैंने आपको खुशी से दिया, इनकार करेंगे तो मुझे दुख होगा। अच्छा फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। के नाम पर भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुन्ना के लिए दूध कहाँ से लाऊंगी? मुन्ना के दूध के लिए रुपए चाहिए। एडवांस के नाम पर भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुन्ना के लिए दूध कहाँ से लाऊंगी? Thank you.
सदियों पुरानी सुनो भक्त की किताब की आदमी के खाब की गीतों में इसको ढाला गलियों का फेरी पाला तुमको सुनाए सुनो रे समियां बाद न थी और इसमें न थे हम लोग ना दौलत की छीन झपट थी ना जोगी का जो कुछ भी न था उसके सिवा जिसने ये हरियाली ये नीले आकाश बनाए सुनो रे माँ लड्डू आया है मैं खाऊंगा। तुम्हारे अब्बा आज पैसे लेकर आएंगे तो खरीद दूंगी। नहीं मैं अभी खाऊंगा। जीद नहीं करते बेटे। ठीक है मैं अब्बू को कह दूंगा कि मुझे लड्डू नहीं खरीद दिया। तो तुम शिकायत करोगे अब्बा से? हाँ। लो आ गए तुम्हारे अब्बा। हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं। सिराज साहब का एक्सीडेंट हो गया था। से 10 रुपए का एक नोट और आइडेंटिटी कार्ड मिला। जाऊंगी जब तक तुम थोड़ी देर पढ़ लो। नहीं मैं आज नहीं पढ़ूंगा। नहीं नहीं बेटा नहीं पढ़ोगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी? अच्छा ठीक है। खराब थी इसीलिए चंद दिनों ना आ सकी। खबर करवा दी होती एक रोज आए नहीं रहने से हमारे घर में तकलीफ हो जाती है। किससे खबर करवाती बीबी जी? आपको तो मालूम है मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है। क्यों तुम्हारा लड़का जो है? खैर पहली तारीख को आकर पैसे ले जाना। मैं पैसे लेने नहीं कल से काम करूंगी यही कहने आई हूँ। अगर आप चाहे तो आज भी। मैंने दूसरी आया का इंतजाम कर लिया है अब तुम जाओ। क्या हुआ?
वजह से महल्ला छोड़ देना पड़ेगा। ना है शरीफ, पर शरीफों के घर ऐसा जालिम लड़का, बाप रे बाप, मैंने तो सात जन्म में भी ऐसा लड़का नहीं देखा। कैसे लगा? अपने लाडले से पूछो, मैं कहूँगी तो कहोगी नमक मिर्च लगा रही हो। बच्चों बच्चों खेलने में जरा लग गया, जरा लग गया, देखो तर तर खून बह रहा है, जरा से के लिए आँख बच गई। कहाँ है मुन्ना? क्यों मारा उसे? मैंने नहीं मारा। तो फिर कैसे लगा? गुल्ली से। गुल्ली से? फिर तू दिया था चमार वाला खेल खेलने? इसी ने कहा था। कुत्ते? मारेगी बच्चे को? टीचर क्या करेगा? इस लड़के से क्या होगा? दूर हो जा मेरी नजर से, मैं तेरी सूरत भी डाली हो गई है क्या? मुन्ना जा बाहर जा। मैं इसके लिए खून पसीना एक कर रही हूँ और वो शैतान होता जा रहा है। मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती। जी कर क्या करेगा? मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती। निकल जा, दूर हो जा। लाचार की मदद करो बेटा, वो कुत्ता जरा ला दो। मौला तेरी मुराद पूरी कर। तुम खुद जाके ले आ। मैं मजबूर लाचार हूँ बेटा, जरा मदद करो। अच्छा। चोर चोर पकड़ो पकड़ो। तेरे बाप ने बदमाश, कितने से हो और चोरी करते हो? मैंने चोरी नहीं की, वो आदमी। चुप्पे, चल थाने। उस्तादी, लेकिन ये स्ट्रीट चैन नहीं मालूम होता। तुम्हारे अब्बा का कब इंतकाल हुआ? मुझे मालूम नहीं। तुम्हारी अम्मा क्या करती है? ये भी मुझे मालूम नहीं। कहाँ रहते हो? उस तरफ। महल्ले का क्या नाम? मालूम नहीं। एक तो पानी का नल है। पानी का नल तो हर महल्ले में होता है। तुम सिपाही से कह दो उसकी माँ को हर जगह जाकर तलाश करें, उस वक्त ये बच्चा यहीं रहेगा। नहीं, मैं घर जाऊंगा। रात को कहाँ जाओगे? कल सुबह हम तुम्हें पहुंचा देंगे। सुनिए,
यहाँ कोई मुन्ना की माँ रहती है? अल्लाह रहम करे, पहले शोहर गया, कल बेटा चला गया, अब पुलिस आई है। कुछ कहना नहीं बहन, फिर कोई मुसीबत आ जाएगी। यहाँ कोई मुन्ना की माँ रहती? चलो कह देंगे, कोई पता नहीं चला। अब इसके लिए क्या किया जाए? सर, एक केस बनाकर इसे कोर्ट भेज दीजिए, वहीं इसका कोई बंदोबस्त हो जाएगा। गुड आइडिया, हो सकता है वहां से इसे बूस्टर स्कूल भेज दे, ऐसे ही छोड़ देने से आवारा बन जाएगा। मुझे अम्मी के पास जाने दीजिएगा। नहीं, नेक्स्ट। इसे क्या हुआ? रात कमरे में इसने पेशाब कर दिया। क्यों है? जहाँ खाते हो वही पेशाब करते हो? जल्दी से पेशाब हो गया। सिपाही को वही जगह जगाने से वो मारते हैं। ले जाओ इसे, आज का रात का खाना बन। आज के तक नहीं करेंगे। खबरदार। ये कौन है? ये एक नया लड़का है सर। एड्रेस नॉट नोन। लीजिए, अब इन लोगों का पता भी हम ही लोगों को मालूम करना होगा। न जाने इन लोगों ने हॉस्टल स्कूल को क्या समझ रखा है। आप आज ही लिख दीजिए, आइंदा से कोई इनकम्प्लीट केस आया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसे 4 नंबर बैरिक में ले जाइए। ऑलराइट सर। सुनो भक्त की किताब की, आदमी के खाब की, कि तुम इसको ढाला गलियों का फेरी बाला, तुमको सुनाए सुनो रे सुनो रे सुनो रे सुनो रे। धरती ने करवट बदली, बने ये सामन चे बने ये सामन चे, कहीं की रेती सोना बन गई, कहीं का सोना रे थारे मुड़े। पंछी उड़े सागर पार, मिला क्या उनको पर्वत देख न पाए। सुनो रे सुनो रे सुनो रे सुनो रे। मेरा दिल कहता है मुन्ना जरूर आएगा। नहीं, शायद मैंने मुन्ना को भी खो दिया। इंसान को नाउमीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखो बहन। भरोसा? चलो खा लो, चलो चलो। दरवाजा तो खोलो, फिर देखो कौन आया। मुझसे क्यों डरने लगी? जल्दी से किराया निकालो। जी, मैं क्या मैं लगा रखी है? चुपचाप से किराया निकालो, बहुत परेशान करा है तुम्हें। कुछ रोज की मोहलत और दे दो, मैं पाई पाई चुका दूंगी। ना मैं मोहलत दूंगा ना तुम पाई पाई चुकाओगी। बात साफ है, तुम किराया नहीं दे सकती हो तो मकान छोड़ दो। मैंने कोई यतीम खाना नहीं खोल रखी है, समझी? मैं वादा करती हूँ, चंद दिनों में किराया अदा कर दूंगी। मेहरबानी होगी मुझ पर, रहम करो। मैं किसी महल का नहीं, झोपड़ी का मालिक हूँ। रहम करने से पेट नहीं चलेगा, किराया दो नहीं तो मकान छोड़ दो। भैया, ये बेचारी बेसहारा है, अगर तुमने निकाल दिया तो कहाँ जाएगी? कुछ तो ख्याल करो। ख्याल तो करूं, फिर भी अगर किराया नहीं मिला तो? मैं दे दूंगी। अच्छा, अगर तुम जमानत लेती हो तो मैं मान जाता हूं। सलाम अलैकुम।
कितने रुपए बाकी हैं? 15 रुपए। तुम जरा घर का ख्याल रखना, मैं मलकम के पास जाती हूँ, 10-12 रुपए मेरे बाकी है। ठीक है, शाम को चली जाओगी, तुमने तो खाना भी नहीं खाया है। चलो मेरे यहाँ खा लो। नहीं बहन, मैं अभी आई। तलाश कर रही थी, तुम्हारे जाने के बाद 3-3 को रखा, लेकिन कोई टिकती नहीं। कुछ पैसे आपके यहाँ रह गए थे, इस वक्त जरूरत आन पड़ी, इसीलिए तो ऐसा कहो। मैं सोच रही थी तुम बिला जरूरत तो आने से रही, रुपए पैसे की बात खूब याद रहती है तुम लोगों को। अगर किराया ना दे सके तो घर छोड़ना पड़ेगा। बहाना ना बनाओ, मैं खूब समझती हूँ, जो पैसे तुम्हारे निकलते हैं वो ले जाओ। और क्या मास्टर जी? मुराद कहाँ चले? घर जा रहा हूँ। किसी रोज बेबी को लेके आना, उसे मिलते ही लेकर आऊंगा। माजी ये कौन है? हम लोगों की पुरानी आया। पुरानी आया? अच्छा खुदा हाफिज। आते वक्त बस के नीचे आ गए। बस के नीचे? इसके बाद वो हमारा साथ छोड़ गए। मुन्ना कहाँ है? उसे नहीं देख रहा हूँ। वो नहीं है। क्या कहा? एक रोज गुस्से में उसे मारा था, घर से चला गया, फिर वापस नहीं आया। कितने दिन हुए? 7-8 महीने। उसकी तलाश नहीं की? भला तुम कैसे कहती नाज? तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे घर नहीं, ये कहने की हिम्मत नहीं। बोल रहा था भाभी के यहाँ चलो, वो तुम्हारी सगी बहन है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? अगर तुमसे मुलाकात नहीं होती तो एक बात थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला जाऊं? मैं किसी तरह भी नहीं जा सकती। इस तरह तुम अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रही हो? क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं। अनजानेपन में जो दुख मैंने तुम्हें दिया है, जो भी गलती मुझसे हुई है, मैं आज भी नहीं भूला। लेकिन अगर उस रोज तुम मेरी दिल की ना दोहराई उन बातों को। लेकिन आज तुम्हें एक बात माननी होगी नाज। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
तभी आपने यही सवाल मुझसे किया था। मेरे लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहने दीजिए। और बोलो। मेहरबानी करके आप दोबारा इस महल में ना आए, मेरी बदनामी होगी। किसी से कुछ नहीं कहेगा, किराया निकालो नहीं तो। अरे ये क्या, किराया नहीं दे सकती तो मकान खाली कर दो। रहम करो, उस दिन की और मोहलत दे दो। तुम पर रहम करूं, तुम्हें मोहलत दूं और बाल बच्चों को भूखा रखूं? अब तुम मुझ पर रहम करो। क्या कर रहे हो? सामान बाहर फेंक रहा हूँ। सामान बाहर फेंक रहे हो? ऊपर वाले से डरो, कहीं उसने तुम्हें बाहर फेंक दिया तो टी भूल जाओगे। कुछ भी हो, इस औरत को घर से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। बड़ी जालिम, अगर तुम्हें इससे हमदर्दी है तो तुम ही किराया निकालो। कितने रुपए निकलते हैं? 12 12 24। से दफा हो जाए। सुनो, रुपए मिल गए? हाँ भाई। तो फिर ये सामान अंदर। तकलीफ जरूर होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इतने रुपए एक साथ तुमको कैसे वापस करूंगी? जैसे सहूलत होगी लौटा दीजिएगा। आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ। आपका कोई नहीं? नहीं। तो फिर दूसरों के घर में काम करके जिंदगी गुजारती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। क्या? ना आप दूसरों के घर जाया करें, ना मैं कम लड्डू बेचा करूं। मैं समझी नहीं। आप मेरे लिए लड्डू बना दिया करें और मैं ज्यादा से ज्यादा बेचा करूंगा। इसमें आपका फायदा होगा और मेरा भी। लेकिन लेकिन वकील कुछ नहीं, आपको घर बैठे ही काम मिल जाएगा और मुझे बेटी मिल जाएगी।
तुमने तो फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक पास किया है, आगे पढ़ने का इरादा है? जी हाँ। बताओ तू पढ़कर क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर? इंजीनियर क्यों नहीं? मेरी माँ की यही तमन्ना थी। क्या सोच रही है बेटी? खाली जी खाने को जी नहीं चाहता। मैं जानता हूँ माँ, रुखा सुखा खाना आपसे खाया नहीं जाता होगा। थोड़ा सा अचार ले लीजिए, उनका मजा बदल जाएगा। आज मुन्ना बहुत याद आ रहा है, ना जाने वो कैसा है, क्या खाता है, कहाँ रहता है। नजर नहीं आता अंधा क्या? मुझे तो नजर नहीं आता, लेकिन आपके आंखें तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आपको क्यों नहीं दिखाई देता? बताइए अगर एक जी मैं नहीं, फिर आप ही तकलीफ कीजिए। हाँ ये ठीक है कि लड़के लड़कियों के लिए हमेशा तकलीफ करते आए हैं, लेकिन बदतमीज लड़कियों के लिए नहीं। हटाइए गाड़ी। मैं एक इडियट के लिए गाड़ी नहीं हटाती। ऐसी चलिए मैं ही एक इडियट के लिए गाड़ी पीछे हटाता हूँ। आइए यार, गाड़ी तो गई। गाड़ी तो पैसे से ठीक हो जाएगी, कहीं तुम्हें तो कोई ऐसी चोट नहीं लगी जो रुपए से भी ठीक नहीं हो सकेगी? क्या समझे, लड़की जरा तेज है। अच्छा तुम अपने को क्या समझते हो? समझता नहीं, समझाया गया हूँ। 62 साल का करोड़पति मैसिस बुढ़ा चीत हो गया, तुम तो दो पैसे के जवान MBBS डॉक्टर हो। तुम्हें और कुछ कहना है? कहना यही है कि लड़की बगल में रहती है। तो क्या हुआ? आज टक्कर लगी है, कल से कहीं चक्कर न शुरू हो जाए। ये तो सोचने की बात है, चलो अंदर बैठकर सोचते हैं। गुस्सा कर रही हो बेटी? बगल वाला डॉक्टर बड़ा ही इडियट है। क्या किया है उसने? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? गलती उसकी थी और रोग मुझ पर जमा रहा था। मैंने सुना है वो निहायत ही शरीफ लड़का है। आपने सिर्फ सुना है, देखा नहीं, शक्ल ही से बदमाश मालूम होता है। क्या कहे आइड बॉय? तो गुस्से की बात हुई, जाओ हाथ मुंह धो लो, गुस्सा ठंडा। और आप कहते हैं हाथ मुंह धो का शरीफ, यहाँ का या बिहार शरीफ का शरीफ? हंसते हैं। आजकल लड़कों ने जहाँ जवान लड़की को गाड़ी में देखा बस गाड़ी को टकरा दी, ये तो फैशन बन गया है। ठीक है छोड़ो, अब जाने दो। ठीक तो उस वक्त होगा जिस वक्त आप मुझे 125 रुपया देंगे। क्यों? क्यों? सदका सदका उतारूंगा, बिटिया की जान बच गई। बेबी से ले लेना। अरे दादू कहाँ रहते हो आजकल? बैठो बैठो, लड्डू लेकर नहीं आते? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ दादू, लेकिन चेहरे से तो मालूम होता है तुम्हें जरूर कुछ हुआ है। मेरी बेटी बहुत बीमार है, अपनी बेटी नहीं लेकिन अपने से भी बढ़ के है, गरीब है बेचारी। डॉक्टर साहब आप उसे दवा देंगे?
क्यों नहीं, तुम किसी रोज उन्हें लेके आओ, मैं जरूर इलाज करूंगा। अच्छा अच्छा। साहब खिड़की तो फट से बंद हो गई। कोई बात नहीं, इसके बाद दरवाजा खुलेगा। इसीलिए रोज टेलीस्कोप फिट करके तुम यहाँ बैठे रहते। इसके बाद कुछ और फिट होगा। ये लड़कियों का मामला तुम नहीं समझ सकोगे। मैं लड़कियों की पूरी जात को अच्छी तरह जानता हूँ। यार तुम अभी तक बच्चे ही हो, एक लड़की ने तुमसे बेवफाई की है, सबू ने नहीं। एक चावल दबाते ही मालूम हो जाता है कि चावल तैयार हुआ या नहीं। तुम क्या जानो ये कितनी मासूम होती है। जानता हूँ, उनसे ज्यादा मासूम तो हम हैं। उनकी एक नजर का बोझ तक नहीं उठा सकते। अगर वो एक नजर देख के मुस्कुरा दें तो बस गए काम से। नहीं मुन्ना, मैं तुम्हें उनकी जाल में फंसने नहीं दूंगा। तो फिर ऐसा करो कि वो मेरे जाल में फंस जाए। God bless you. अब तो आपकी तबीयत रोज बरोज खराब होती जा रही है, डॉक्टर को दिखाना होगा। डॉक्टर नहीं, मैं इसी तरह ठीक हो जाऊंगी। मेरी जान पहचान का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसके पास ले जाऊंगा। हम गरीब बड़े डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। वो बहुत शरीफ है। फिर भी इसकी फीस कम नहीं होगी। वो ऐसा नहीं, मुझसे रोज लड्डू खरीदता है। लड्डू हाथ में लेते ही न जाने किस सोच में पड़ जाता है। मुझे यकीन है वो आपका इलाज जरूर करेगा। डॉक्टर साहब जल्दी चले, अबू की तबीयत बहुत खराब है। आपकी तबीयत तो ठीक है। मजाक छोड़िए, जल्दी चलिए, वो बेहोश पड़े हैं। मुंह से झाग भी आ रहा। कॉटन लेते जाइए, पोंछ दीजिए। मैं आपके पाँव पकड़ूंगी। तौबा, पकड़ना ही है तो बैग पकड़िए, चलिए। पेशेंट है, अनकॉन्शियस। मैंने निथरमाइड इंजेक्शन दे दिया है, अगर आप आकर देख लेते तो अच्छा होता। थैंक यू सर।
इससे पहले इनकी ये हालत कभी हुई थी? जी नहीं। आई सी। जिस वक्त बेहोश हुए उस वक्त ये क्या कर रही थी? इनके गिरने की आवाज सुनकर जब मैं यहाँ आया तो देखा इनके हाथ में ये कंगन। कंगन? जी हाँ, इसे ये अक्सर देखा करते हैं और देखते ही वो किसी सोच में पड़ जाते हैं। मुन्ना, ये रीडिंग्स है। मैं एक दवा और लिख देता हूँ, ये भी इंक्लूड कर लो। सारी रात तुम्हें यही रहना पड़ेगा। आई मीन कॉन्स्टेंट वॉच। अगर कोई ऐसी बात हुई तो मुझे फोन कर देना। ऑल राइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट माय बॉय। अच्छा, सो जाए तो फिर मेरे यहाँ जाकर नौकर से कहें कि दो प्याली चाय लेकर यहाँ आए। यहाँ भी चाय बन सकती है। आपको तकलीफ होगी? आप जो तकलीफ कर रहे हैं। मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मैं भी अपनी ड्यूटी करूँ। मेहरबानी, ये तो मेरा फर्ज है। नमाजिश, इसकी क्या जरूरत है? तो फिर शुक्रिया। साहब तो नहीं है, साहब नहीं है, और मैं तुम्हें साहब नजर नहीं आता। यहां रखो। सोई हो? अब कैसी तबीयत है अबू? क्या हुआ था मुझे? रात आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अगर डॉक्टर मुन्ना ना आते तो न जाने क्या होता। आते ही उन्होंने हॉस्पिटल से बड़े डॉक्टर को बुलाया और सारी रात जागते रहे। डॉक्टर मुन्ना कहाँ है वो? अभी अभी सोए हैं। तो उस रोज डॉक्टर मुन्ना पर बहुत खफा हो रही थी। मेरे लिए काफी तकलीफ की है उसने। हाँ अबू, जब तक आप बेचैन रहे वो आप ही के पास बैठे रहे। हो, अबे अब्दुल, मेरे चाय कहाँ है? ओह, आई एम सॉरी। अब आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नो नो, एक डॉक्टर का तो यही काम है। अच्छा, अब मैं चला, शाम को फिर आऊंगा। अच्छा। सुनिए। सुनाइए। ऐसे एहसान का बदला मैं जिंदगी भर नहीं दे सकती। ये तो मैं जानता हूँ। आपकी
की फीस। मैं यहाँ एक प्रोफेशनल डॉक्टर की हैसियत से नहीं आया, कम से कम मुझे एक पड़ोसी समझते हुए आपको मेरी इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बिस्तर रेडी है, आप सो जाइए, बहुत जाग कर आए हैं। हाँ यार, अगर मैं नहीं सोया तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं डिस्पेंसरी में ताला लगाए देता हूँ। क्यों? सोकर उठोगे तो रात हो जाएगी। दादी को, दोनों को, वैसे उनके साहबजादे। बस बस, और कुछ कहना नहीं पड़ेगा। ये बताओ, कितना कमा कर लाए हो? मैं प्रोफेसर साहब का पड़ोसी हूँ, मेरा भी तो कोई फर्ज है। जी, प्रोफेसर साहब आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि उनकी साहबजादी को चारा देकर आए हो? रात मैंने उस लड़की को ऐसा सबक पढ़ाया कि एकदम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। अच्छा। मैंने जैसे ही कहा गर्म पानी तो गर्म पानी, बर्फ तो बर्फ, और जब चाय के लिए कहा तो बड़ी प्यार से डरती लजाती चाय लेकर आई। बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं, ये हकीकत है। जी नहीं, ये धोखा है। कैसे? वो एक यतीम लड़के की मासूमियत से फायदा उठा रही है। संभाल के जहां पना। Thank you.
बेहोश। सैफुद्दीन मियां बाहर। अल्लाह जाने डॉक्टर ने रात भर इलाज किया या जादू चलाया। क्या हुआ सैफुद्दीन मियां? बिटिया की पढ़ाई तो खत्म हो गई। कैसे? सुबह गाना गा रही थी। गुनगुनाने की तो उसकी पुरानी आदत है। गुनगुना नहीं रही थी, साफ साफ गाना गा रही थी। वो भी कभी पर्दा पकड़ के, कभी बिस्तर पे लेट के। क्या हुआ सैफुद्दीन चाचा? तू मुझसे कुछ न पूछो। अब डॉक्टर साहब ने फीस नहीं ली। बड़ा ही अखलाकमंद है। बेबी तो ऐसा करो, एक रोज उसकी दावत कर दो। हाँ हाँ, दावत कीजिए, लंगर खाना खोल दीजिए, लुटा दीजिए, मेरा क्या है? मेरा बहुत कुछ है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि जा कहाँ रहे हो। तुम जानकर क्या करोगे? अपना सर दीवार से टकराऊंगा। तब तो बताना ही पड़ेगा। फीस वसूल करने जा रहा हूँ। कहाँ? प्रोफेसर साहब के यहाँ। इतना बन ठन के? मिस बेबी टक्कर वाली ने दावत दी है, इसलिए जरा बन ठन के जा रहा हूँ। तुम्हें कोई इतराज है? मुझे ये पसंद नहीं। तुम अपनी पसंद अपने पास रखो और मुझे मेरी पसंद के पास जाने दो। जरूर जाओ, जब दावत के बदले किसी रोज वहां धक्के खाना पड़ेगा तब मेरी बात समझ में आएगी। तुम उस वक्त का इंतजार करो, मैं चला। बाय बाय। रोस्ट 8, कुरमा 7-15, कलेजी 4-19, पुलाव और सलाद 6-25, फूल मुफ्त और केले का आठ। क्या गिन रही हैं आप? जी हिसाब लगा रहा हूँ कि इस दावत से मेरी पूरी फीस वसूल होती है या नहीं। क्या आप ये समझते हैं कि ये दावत फीस के बदले की गई है? नहीं तो क्या, इससे पहले आपने मेरी दावत कभी नहीं की। पहले आपसे जान पहचान नहीं थी और आप हो गई। मेरे ख्याल में पहचान की बात तो हो गई, लेकिन जान की बात अभी तक नहीं हुई। वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। I'm a genius।
ही डॉक्टर बनता। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? यही मेरी बेटी है डॉक्टर साहब। अच्छा बैठिए। शिकायत है आपको? हर वक्त बुखार रहता है और खांसी भी आती है। आप जरा इधर आइए। मुझे अपना ही बेटा समझे। अपना बेटा? आइए। दवा दूंगा इंशाल्लाह, दो तीन दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम गरीब, इतनी दवाओं के पैसे कहां से लाएंगे? मैंने कहा ना, आप मुझे अपना बेटा समझें। क्या एक बेटा अपनी माँ का इलाज नहीं कर सकता? मैं तुम्हें सिर्फ दवा ही दे सकती हूँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है अल्ताफ। दोस्त ये दवाएं सामने वाली दुकान से लाकर दे दो। आइए। चले गए? चले तो गए, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुहर्रमी क्यों हो गया? मरीजा को देखकर मेरी माँ याद आ गई। ना जाने वो कहाँ है, किस हाल में है, कौन जानता है वो जिंदा भी है या नहीं। हम नहीं जानते कि बाप का प्यार क्या होता है और माँ की ममता कैसी होती है। हमें ये सब सोचने का कोई हक नहीं मुन्ना। क्यों? हम माँ की गोद में नहीं, हालात की गोद में पलकर जवान हुए हैं। फर्ज करो कि मेरी माँ जिंदा है तो सुबह शाम तुम्हारी याद में आंसू बहाती होगी। यही तो बेबस और मजबूर माओं का सहारा है। माँ
मां मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, मैं डॉक्टर बन गया। आज सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं। मां, मेरा बेटा अगर होता तो ऐसे ही डॉक्टर बनता। हाँ बेटी, ऐसा ही होता और बिल्कुल इसी की तरह शरीर। मैंने कहता था कि वो तुम्हारा इलाज जरूर करेगा। जब वो तुमसे बातें कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक बेटा अपने माँ से बातें कर रहा हो। उसे देखते ही मेरी ममता तड़प उठी। जी चाह रहा था मैं उसे सीने से लगा लूं। अब दवा खा लो और जल्दी से अच्छी हो जाओ। अब तो हमेशा बीमार रहने को जी चाहता है। इसी बहाने मैं उसे देख तो सकती हूँ। तुम अच्छी हो जाओ, मैं वादा करता हूँ उसे जरूर एक रोज यहाँ लेकर आऊंगा। लो लो। चक्कर चल गया। पक्कर करिएगा। अभी तक सोई नहीं? नहीं आ रही है। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज तो आपके अब्बा हुजूरी कर सकते हैं। सुअर कहीं। बेटा, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। तड़प तो मैं भी रहा हूँ कुछ सुनाने के लिए। अब सो जाओ। इतनी मोहब्बत कौन करेगा, कहाँ पाओगे इस दिल में होगी। अबे ओ गवाइये की औलाद, मैंने तुम्हें एक शरीफ आदमी समझा था। मैं भी तुम लोगों को शरीफ समझता था। तुमने ठीक ही समझा था, हमसे ही गलती हो गई। क्या कहना है, जल्दी बताओ। तुम लोग यहाँ डॉक्टरी करते हो या मदारी का खेल दिखाते हो? दोनों, वक्त के हिसाब से और आदमी को समझते हुए। मेरी भोली भाली बच्ची पर जादू कर दिया है तुम्हारे डॉक्टर ने। और मेरे मुन्ना को जो जाल में फंसा है। मुन्ना शीशी में डुड्डू पीता है ना? शीशी में डुड्डू पीता है तो खबरदार, जो बाप दादा को निकाला जुबान खींच लूंगा। तुम तो हो आधा गंजा, देखा मेरा पंजा, एक लगाऊंगा तो कर दोगे स्किंजा। खैरू मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले घर के अंदर जाकर सोच लो फिर बताओगे। अच्छा।
शरीफुद्दीन मियां, क्या नहीं हुआ ये पूछिए। जिस वक्त मलकान मरी उस वक्त बेटिया को दूध आप ही पिलाते थे, उसकी परवरिश आप ही ने की। नहीं भाई, तुम ही ने सब कुछ किया है। अगर किया है तो आज मेरी बेइज्जती क्यों? किसने तुम्हारी बेइज्जती की? वही डॉक्टर का बेटा कंपाउंडर। क्या बकते हो? अरे वही कंपाउंडर कहता है मैं हूँ आधा गंजा, दिखा दिया है मुझे पंजा। मैं कहता हूँ अगर भलाई चाहते हैं तो बिटिया का डॉक्टर से मिलना फौरन बंद कर दीजिए। अच्छा सैफुद्दीन मियां, बेबी और डॉक्टर तो अच्छे ही लगते हैं। बहुत बुरे लगते हैं। कहाँ मेरी बिटिया बेबी और कहाँ वो लफेंगा फरेबी। बस बस, आखिर बेबी की शादी तो करनी है। लेकिन उस डॉक्टर से नहीं। क्या खराबी है उसमें? सर से पांव तक खराबी है। मेरी मानिए और उसका ख्याल दिल से निकाल दीजिए, वरना पछताइएगा। डॉक्टर मुन्ना। मैं हूँ बेबी। हाँ, टक्कर वाले। जो समझे। क्या बात है? आजकल आप हमारे घर की तरफ रुख ही नहीं करते। जंग जो शुरू हो गई है। जंग? आपके हमदर्द सैफुद्दीन मियां और हमारे हमदर्द अल्ताफ साहब एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी है। क्यों? सैफुद्दीन मियां को शिकायत है कि मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, और अल्ताफ साहब को कहना है कि आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? आप हमारे घर आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके वालिद साहब तो अब बिल्कुल ठीक है, फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? समझ लीजिए मैं बीमार हूँ। इसका इलाज तो आप ही कर सकते हैं। मुझे डर लगता है। डर कैसा? ये घर भी आप ही का है। लेकिन आज घर से बाहर कहीं दूर मिलना बहुत जरूरी है।
पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। क्या? मैं एक ऐसा बदनसीब इंसान हूं जिसका बचपन बॉस्टल स्कूल में गुजरा। बॉस्टल स्कूल? हाँ, जेल के स्कूल। आप वहां कैसे गए? किस्मत ले गई। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं छोटा सा था, मेरे बाप का साया सर से उठ गया, गुर्बत से तंग आकर मेरी माँ एक रोज मुझे मारा, मैं घर से निकाल पड़ा और रास्ता भूल गया, फिर खुद को बॉस्टल स्कूल में पाया। मैं सिर्फ डॉक्टर मुन्ना हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। किसका बेटा हूँ, मेरी माँ कहाँ है, वो जिंदा भी है या नहीं, कुछ भी तो नहीं मालूम। मुझे मालूम था ये सब जानते ही तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। नफरत वो तो मुझे अपने आप से होने लगी है, क्योंकि तुम मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखते हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बॉस्टल स्कूल, डॉक्टर मुन्ना ने जेल के स्कूल में तालीम पाई है। वहां तो मुजरिम और आवारा लड़के जाते हैं। अब समझ में आई है मेरी बात? बातचीत से मालूम होता है कि उसका खानदान घटिया है। मेरी बच्ची एक आवारा के साथ? सैफुद्दीन मियां, डॉक्टर या कंपाउंडर जो भी हो उसे बुला कर लाओ। अच्छा, डॉक्टर मुन्ना को तुम कब से जानते हो? बॉस्टल स्कूल से। तो तुम भी वहां थे? जी हाँ। कहीं चोरी की थी? जी नहीं। झूठ बोलना तो तुम्हारे बचपन की आदत है। मैंने झूठ नहीं कहा। फिर तुम जैसे लड़कों का बॉस्टल स्कूल में क्या काम? अगर ये जानता तो आप मुझे यहाँ बुलाकर मेरी बेइज्जती नहीं करते। बेइज्जती उसकी होती जो इज्जत वाला होता है। प्रोफेसर साहब, क्या तुम बता सकते हो तुम्हारा बाप कौन है? बाप कैसा होता है ये नहीं जानते। तुम तो सिर्फ अपने वजूद से समाज को गंदा करना जानते हो। तुम्हें शरीफों के महल में रहने का कोई हक नहीं। जिंदा रहने की बात और, हमें तो यहाँ मरने का भी हक नहीं। तो यहाँ से कहीं और चले जाओ ताकि हम चाय से स्थिति गुजर सके। मुझे जहाँ तक मालूम है डॉक्टर मुन्ना को आपने इज्जत ही दी। उसका बाप कौन है? मुझे नहीं मालूम। कहाँ है वो? मरीज देखने गया। उसे मेरे पास भेज देना। अब तुम जाओ। तीन दिन तक खाना बंद, सिर्फ दूध और हॉर्लिक्स, और इसके बाद हमें खबर कर देना। जी अच्छा। अरे माँ, डॉक्टर साहब,
अब कैसी है? बहुत ठीक हो। अगर फिर कोई तकलीफ हो जाए तो खबर कर दीजिएगा। करती हूँ, अगर मैंने जिंदगी में एक भी अच्छा काम किया हो तो उसके बदले तू मुझे इस दुनिया में जाओ और जाओ प्रोफेसर साहब के वहां। क्या हुआ? बार बार मना किया लेकिन तुम माने नहीं। कुछ बताओगे भी या इसी तरह चीखते रहोगे? आज तुम्हारी वजह से बेइज्जती हुई, मैं सर उठाकर बात नहीं कर सका। हुआ क्या? हमारी माँ है, बाप है, हमने बॉस्टन स्कूल में तालीम पाई है और तुम चले थे प्रोफेसर साहब की बेटी से मोहब्बत करने। ये कोई जुर्म नहीं? बहुत बड़ा जुर्म है। जो अपने खानदान के बारे में नहीं जानता उसके लिए समाज में कोई जगह नहीं। ये बात प्रोफेसर साहब ने कही है? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमारी वजह से इज्जत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। उन्होंने तुम्हें बुलाया है? आपने मुझे बुलाया है? किस लिए तुम्हें बुलाया है ये तुम्हें मालूम होगा। जब आप बीमार थे और मौत आपके सामने खड़ी थी, उस वक्त आप मेरे बारे में क्यों नहीं जानना चाहे? क्या तुम समझते हो कि डॉक्टर इंसानों को जिंदगी और मौत बख्शता है? फिर कौन बख्शता है? जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में। ये तो हम समझते हैं प्रोफेसर साहब, आप नहीं। क्या बकते हो? जो सच है, जब हम दोनों की जिंदगी देने वाला खुदा है तो क्या सिर्फ मेरा इंसान होना आपके लिए काफी नहीं? मेरा ये जानना जरूरी है कि तुम्हारा खानदान क्या है, तुम्हारे वालिदैन कौन है। तो फिर ऐसा कहिए कि आप उस समाज से डरते हैं जिसकी बुनियाद खुदा ने नहीं इंसानों ने रखी है। जब लोग मुझसे ये दरियाफ्त करेंगे कि बेबी की शादी किसके बेटे के साथ हुई है तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर एक जाहिल मुझसे ये कहता तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता। गम तो इसका है कि आप जैसे पढ़े लिखे इंसान भी ऐसा सोचते हैं। फिर भी प्रोफेसर साहब मेरे भी माँ बाप थे। ना वो मंजूस वक्त आता, ना मेरा बाप बस के नीचे आकर मरता, ना मेरी माँ गुर्बत से तंग आकर मुझे मारती, ना मैं घर से निकलता, ना मैं रास्ता भूलता, और ना ही आज आपको ये मौका मिलता पूछने का कि मेरा बाप कौन है। तुम्हारा बाप बस के नीचे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा? तुम घर से निकल गए, नाश।
आज भी तुम्हारा इंतजार होगा। तुमसे बिछड़ गए Thank you.
अपराध है। सारे दरवाजे खुले हैं,